राजस्थान में जनजातीय मुद्दों को लेकर विभिन्न पार्टियों की अपनी अपनी राय रहती है। वहीं शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता रविवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर में मौजूद रहे, जहां वे राजस्थान में वर्तमान में चल रहे विभिन्न मुद्दों को लेकर मीडिया के साथ रूबरू हुए। वहीं चलिए आपको रूबरू करवाते हैं शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता की खास बातचीत सिर्फ VMR भारत टीवी के साथ। नमस्कार सर, VMR भारत टीवी की तरफ से सर, आपकी जो पार्टी है राजस्थान में, मतलब फर्स्ट टाइम ही आई है, आई थिंक फर्स्ट टाइम चुनाव आप पहले भी लड़ चुके हो, तो इस बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं उसकी आगे की रणनीति आपकी क्या होने वाली है? शिवसेना हिंदुस्तान राजस्थान में पहले से सक्रिय हैं और हम पिछले चुनाव में भी लगभग 10-15 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार शिवसेना हिंदुस्तान ने अपने संगठन को दोबारा से आज की बैठक में मजबूत बनाने पर रणनीति किया है, ताकि आने वाले चुनाव के समय शिवसेना हिंदुस्तान राजस्थान की जनता के जो अहम इश्यू हैं, बेरोजगारी हो गया, किसानों के संबंध में समस्याएँ हो गई, महिलाओं पर जो कानून व्यवस्था है वो जो ऐसी लगती है जो पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है, इन सब विषयों को संगठन जोर शोर से उठाएगा। लेकिन सबसे पहले हमने संगठन को विस्तारित करने की योजना बनाई है, उसी की कड़ी में आज हम लोगों ने शिवसेना हिंदुस्तान का दोबारा पुनर्गठन किया है, काफ़ी अहम नियुक्तियाँ की हैं, तो अब शिवसेना हिंदुस्तान के संगठन में जिनको नियुक्त किया गया वो विचार विमर्श करके जो राजस्थान के अहम मुद्दे हैं उसको उसके ऊपर अपने शिवसेना हिंदुस्तान का उससे आम जनता के लिए जैसा कि आपने कहा कि आपकी पार्टी है वो यूथ को लेकर ओरिएंटेड है, कि यूथ को सबसे ज़्यादा आप पॉइंट आउट करते हैं, तो आजकल के टाइम पे अगर हम देखें तो यूथ बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है लेकिन पॉलिटिक्स में आना वो पसंद मोस्टली नहीं करता है, तो सर आपकी जो पार्टी है यूथ को ओरिएंटेड है, तो यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा आप जोड़ पाए, एजुकेटेड यूथ को आप अपनी पार्टी से जोड़ पाए, तभी आप यूथ के मुद्दों से आप जुड़ पाएंगे, तो उसके लिए आपकी क्या रणनीति है ताकि आप यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टी में इंक्लूड कर पाए? देखिए, हम सभी उम्र के व्यक्तियों का शिवसेना सामने स्वागत करते हैं। यूथ को जोड़ने के लिए हमने अपनी युवा इकाई का गठन किया है। यूथ जो कह रहे हैं कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में जब तक कोई अच्छे लोग नहीं आएंगे, यूथ नहीं आएगा, तो राजनीति साफ नहीं होगी, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन नहीं होगा, तो वो रिप्लेस करने के लिए यूथ को एजुकेटेड करना, राजनीति में एजुकेटेड करना बहुत ज़रूरी है। यूथ को मिसयूज़ किया जाता है चुनाव के दौरान, हम चाहते हैं कि यूथ फ्रंट पे आए और चुनाव लड़े, अपने मकसद को लेकर लड़े, अपने सपनों को लेकर के लड़े। यूथ जब तक विधानसभा लोकसभा में जाएगा नहीं, तब तक राजनीति पूरी तरीके से स्वच्छ भी नहीं होगी और उसमें तेजी नहीं आएगी। आज हम तो देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर स्वस्थ हैं तो मजबूत भी हैं, वो उनकी सोच भी अच्छी है, तो इस प्रकार से शिवसेना हिंदुस्तान यूथ को भी साथ लेगी और बुजुर्गों को भी साथ लेगी, उनका जो तजर्बा है, जो उनका एक्सपीरियंस है वो भी शिवसेना हिंदुस्तान साथ लेगी, यानी कि हम बुजुर्गों का होश और यूथ का जोश दोनों लेकर के संगठन को मजबूत करके देश हित में और प्रदेश के हित में, राजस्थान के हित में काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि महंगाई कम हो, हम चाहते हैं कि शिक्षा पद्धति लाड मकाले की पॉलिसी से बाहर आए, क्योंकि अब देश को क्लर्कों की जरूरत नहीं है, अब देश को करणधार की जरूरत है जो सही तरीके से फैसले ले सकें। अब हमने देश में क्लर्कों की भरमार नहीं करनी, इस देश में हमने जो है यूथ को विवेकानंद के रास्ते पर लेके जाए। और सर महिलाओं के बारे में, जैसे कि पार्टी में महिलाओं का होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि महिलाओं के मुद्दों को भी आप पॉइंट आउट कर सके, तो उसके लिए कितने प्रतिशत सीट्स आपने रिजर्व रखी है या कितने प्रतिशत सीट्स आप महिलाओं के लिए आप देना चाहेंगे? आप कितने प्रतिशत भी सीटें रिजर्व कर लो, केवल और केवल पार्टी के नेताओं की महिलाएं आएंगी, उनकी बहुएं आएंगी, उनकी धर्मपत्नी आएंगी और कह देंगे कि हमने 33% रिजर्व कर दिया, तो उससे थोड़ी महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी। महिलाओं की भागीदारी तब बढ़ेगी जब वो नेताओं की धर्मपत्नी ना हो के आम कार्यकर्ता हो। आज हमने ममता गुप्ता जी जो हमारी शिवसेना हिंदुस्तान के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हमारा संगठन काम कर रहा है और बहुत जल्दी वो महिलाओं के लिए एक रोड मैप तैयार करेगी जिसपे शिवसेना हिंदुस्तान की महिला इकाई भी काम करेगी और शिवसेना हिंदुस्तान भी पूरी ताकत से। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम को देखते हुए,
कि मतलब अभी रैंकिंग निकली है, अभी जो सफाई को लेकर एक रैंकिंग निकली है, कल ही उसका डेटा प्रेजेंट हुआ था। इंदौर सिटी है वो फर्स्ट नंबर पे आई है अभी, लेकिन हमारा जो जयपुर है वो ग्रेटर और हेरिटेज दोनों में से कोई भी मतलब है वो टॉप 30 में भी नहीं आ सका है। अब सफाई का जो मुद्दा है वो भी काफ़ी उसको अहम तरीके से ले तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि डेंगू के मरीज भी अभी बढ़ रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है कितनी प्रॉब्लम मतलब ऐसी बात नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, किया है, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई जिनसे सफाई मतलब ज़्यादा बढ़ पाए और डेंगू के मरीज इस बार ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपको पता ही होगा SMS हॉस्पिटल में डेली 100 मरीज आ रहे हैं, तो उसके लिए कोई रणनीति आप चाहेंगे ताकि जनता को फ़ायदा मिल सके? देखो राजनीति के हिसाब से जाएं तो हमें कांग्रेस सरकार की निंदा करनी चाहिए कि वो उन्होंने सफाई का अच्छा प्रबंध नहीं किया, पर मैं इसके उल्ट जाके बोलता हूँ कि सारे कामों के लिए सरकार दोषी नहीं होती, जनता भी दोषी होती है। जनता को भी चाहिए था कि वो सफाई अभियान के प्रति पूरी तरह जागरूक हों। अगर सरकार उस प्रकार की अभियान नहीं चला रही तो लोगों को आंदोलन करना चाहिए था, आवाज़ उठानी चाहिए थी, और सरकार को भी चाहिए कि जयपुर गुलाबी नगरी है और यहाँ बहुत सारे विश्व के यात्री आते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जयपुर जो है सफाई के मामले में एक नंबर पे आए, पर जनता भी जो है इसमें अपनी हिस्सेदारी निश्चित करे। राजनीति करने के लिए हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जनता से भी मेरी अपील है, आम नागरिकों से भी अपील है, शिवसेना हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं से भी अपील है कि सफाई रखने में हम जितना अपना योगदान दे सकते हैं अपना योगदान दें, और सरकार की कहीं नाकामयाबी है, उनकी कहीं लापरवाही है, तो उसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं सहित आम जनता को भी धरना प्रदर्शन करके सरकार को मजबूर करना चाहिए कि इस विषय की ओर उचित ध्यान दें, जिससे हमारा स्वास्थ्य, जिससे हमारी जान प्रभावित हो। और सब पॉलिटिकल पार्टीज में अभी कास्टिज्म का जो मुद्दा है वो काफ़ी चल रहा है, जैसे कि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उसमें भी काफ़ी सारे लोगों को इस बार जो कैबिनेट रीशफल में काफ़ी सारे लोगों को जगह दी गई है, दलितों को भी जगह दी गई है, जैसे कि आपकी जो पार्टी है वो हिंदुस्तान को पॉइंट आउट करके लेके चल रही है, तो उसमें आप क्या मतलब किस किस हिस्सा देने के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? आप अगर हमारे संगठन के स्ट्रक्चर पर ध्यान दोगे तो हमारे शिवसेना हिंदुस्तान में कहीं अगड़ी जाति अनुसूचित जनजाति मोर्चा नहीं है। हमने किसी को नहीं बनाया कि आप अगड़ी से हो या पिछड़ी से हो। हम ऐसा मानते हैं जो शिवसेना हिंदुस्तान का सदस्य है वो एक लेवल पे है, तो इसी तरह देश में भी जो तरक्की मिलनी चाहिए वो एक नागरिक के तौर पर मिलनी चाहिए, एक सिटीजन के तौर पर होनी चाहिए। सिटीजन की जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक हालात है, सामाजिक हालात है, वो किस प्रकार के, ये मुसलमान होने के नाते, अगड़ी जाति के होने के नाते, पछड़ी जाति के नाते इस प्रकार के कोई लाभ नहीं मिलने चाहिए। हमारा देश का नागरिक चाहे वो किसी जाति से संबंध रखता है, अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, सामाजिक तौर से कमज़ोर है, तो उसे सरकार का सहयोग और सरकार द्वारा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, पर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कतई नहीं।